जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आज यूपी बोर्ड से रिलेटेड सबसे बड़ा अपडेट आया है, तो मुझे लगा क्यों ना आपको बता दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब परीक्षाएं साल में दो बार होंगी यूपी बोर्ड की। तो सारा अपडेट क्या है, पेपर में क्या दिया है, चलिए मैं आपको यहाँ पे विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, बोला है बोर्ड परीक्षा साल में दो बार होंगी, ठीक है। वो अब इसके नीचे क्या पूरा मैटर कहा गया, चलिए हम आपको पढ़ के बताते हैं और साथ मेरे साथ आप बने रहिए। देखिए, यहाँ बोला है बोर्ड परीक्षा साल में दो बार, 11वीं और 12वीं, देखिए, में भारतीय, आगे आपका देखिए पूरा कटिंग मैंने यहाँ पे लिया है, भारतीय समेत दो भाषाएं अनिवार्य होंगी। कहने का मतलब साल में अब परीक्षाएं दो बार होंगी बोर्ड की, और 11वीं और 12वीं में भारतीय समेत दो भाषाएं अनिवार्य होंगी। पक्की रहेंगी कि आपको दो भाषाएं पढ़नी ही पढ़नी होंगी। देखिए, मैं पूरा यहाँ पे जो अपडेट आया है पूरा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ और आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा वॉच करिए। देखिए बोला क्या है, नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जारी, 2024 से होगा लागू, विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प। इसके माध्यम देखिए, ये अपडेट लागू करने का मतलब ये है, नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जारी हो चुका है, 2024 से जारी होगा, न कि इस वर्ष से, अगले वर्ष से जारी हो जाएगा सभी कक्षाओं के लिए, ठीक है। तो देखिए पूरा तात्पर्य क्या है, पूरा यहाँ पे अपडेट क्या है, मैं पढ़ के बताता हूँ। नई दिल्ली जेई मेन की तर्ज पर अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार होंगी। छात्रों के पास इन बोर्ड परीक्षाओं में से सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प होगा। कहने का मतलब आपके हिसाब से अब बोर्ड एग्जाम होगा, जब आपकी इच्छा करे, आपको लगता है कि हाँ पढ़ लिख कर आप अच्छे से तैयारी कर लिए हो, अब हमें आप अपना एग्जाम देना चाहिए, तो आप अपना एग्जाम दे सकते हो। फिलहाल मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही 9वीं और 10वीं तीन भाषाएं तथा 11वीं और 12वीं में दो भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। यदि आप कक्षा 9 और 10 में हैं तो आपको तीन भाषाएं पढ़नी पड़ेगी, और कक्षा 11 और 12 में हैं तो आपको दो भाषाएं करनी होगी पढ़ाई, ठीक है, दो भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से एक भारतीय भाषा जरूरी है, भारतीय भाषा जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये सब जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के तहत नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCF 2023 जारी किया गया। शैक्षणिक सत्र 2024 से NCF पर आधारित तीसरी से 12वीं तक के लिए नए पाठ्यक्रम की किताबों से पढ़ाई होगी। कहने का मतलब अब अगले वर्ष से आपकी किताबें भी बदल दी जाएंगी, और जो किताबें आपको मिलेंगी वो काफ़ी सस्ती मिलेंगी, ठीक है। प्रधान ने कहा है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंग समिति ने NEP 2020 के बाद NCF, आगे देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग लिया है, 2023 को तैयार कर शिक्षा मंत्रालय को सौंपा था। मंत्रालय ने इसे अब राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को सौंप दिया है। NCERT ने इसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम और किताबों को लेकर दो समितियां गठित की हैं। ये समितियां शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए पाठ्यक्रम और किताबें तैयार करेंगी। कहने का मतलब अब आपकी किताबें नई छपनी तैयार हो चुकी हैं, अगले वर्ष से ये सब सिस्टम बदल जाएगा। अभी जो जो कटिंग है मैं उसको आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, और क्या होगा कैसे होगा ये आप समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि किताबें चेंज होंगी, परीक्षाएं साल में दो बार होंगी, आगे कुछ और भी दिया गया है, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, कोचिंग और रट्टा लगाने से मिलेगी निजात, अब आपको कोचिंग भी नहीं करना पड़ेगा और रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा, वो कैसे, नीचे यहाँ पे देखिए आपको समझाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, विद्यार्थियों को अब कोचिंग और रट्टा लगाने से निजात मिलेगी, बोर्ड परीक्षा के साथ अन्य कक्षाओं के मूल्यांकन में भी बदलाव होगा, इसमें छात्र की समझ और दक्षता के आधार पर मूल्यांकन होगा। अगर आपको जब अंक दिया जाएगा, नंबर प्रमाणित किया जाएगा, जब जैसे आप एग्जाम देते हो तो मार्कशीट में जो अंक आते हैं उसी आधार पर यहाँ पर जब आपको अंक दिए जाएंगे तो आपकी समझ के अनुसार, आपकी पढ़ाई लिखाई के अनुसार मूल्यांकन आपका किया जाएगा, उसी के अनुसार नंबर होगा। देखिए, नंबर आपको दिया जाएगा। अगला मेन पॉइंट है ऑन डिमांड परीक्षा, अर्थात आप जब चाहें तब परीक्षा दे सकते हैं। आगे बोला भी गया है, बच्चे जब चाहें तब होगा इम्तहान, अर्थात आपको लगता है कि हाँ आपने अच्छी तैयारी कर ली है
तो आप टीचर से बात करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। देखिए नीचे यहाँ बोला भी गया, फिलहाल देखिए बोला NCF 2023 में फिलहाल परीक्षा में सुधार के लिए बोर्ड परीक्षा साल में दो बार कराई जाएंगी। हालांकि इसमें प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान है उसको देखते हैं, कि भविष्य में इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल बोर्ड उचित समय में मांग के अनुसार यानी ऑन डिमांड परीक्षा का मौका भी देगा। आने वाले समय में दो साल तीन साल जो भी हो या अगले वर्ष से ही ये नियम लागू होगा, ऑन डिमांड परीक्षा, अर्थात आपका जब मन हो तब आप परीक्षा दे सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी हो गई है, हाँ सर मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए बोला गया है, इसके लिए स्कूलों और बोर्ड को प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। बच्चे जब खुद को तैयार पाएंगे वो परीक्षा की मांग रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपको जब लगता है कि मैं परीक्षा दे सकता हूँ, मेरी तैयारी अच्छी है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर बोर्ड को प्रश्नों का बैंक तैयार करना होगा और परीक्षा के समय उपयुक्त सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भी एग्जाम होगा आपका, सब आपके स्कूल से कॉलेज से जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पर सब सिस्टम में तैयार रहेंगी, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक तैयार रहेगा। जब आपको लगता है कि सर हम एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो अंक होंगे परीक्षा में, जो आप अंक उठाओगे काफ़ी अच्छे आपके रिजल्ट उठेंगे। ठीक है, तो यही आपको फायदा होने वाला है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं भाषाओं से रिलेटेड, बोला है 9वीं और 12वीं तक भारतीय भाषाओं की पढ़ाई करनी अनिवार्य है। देखिए बोला है NCF में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक भाषा विषय के पैटर्न में बदलाव किया गया है। अब 9वीं और कक्षा 10वीं में तीन भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। अब वो तीन भाषाएं कौन कौन सी होंगी, आगे आपको अपडेट मिलेगा। अभी जो अपडेट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जबकि अभी दो भाषाएं थी वहाँ 11वीं और 12वीं भाषाओं, दो भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी, दोनों वर्गों में भारतीय भाषा की पढ़ाई जरूरी होगी। 22 भाषाओं में किताबें छपेंगी। NCERT शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए NCF 2023 के आधार पर कक्षा 3 से 12वीं के लिए नए पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें बना रहा है, अर्थात कि नए किताबें छपनी शुरू हो गई हैं। अगले वर्ष से सब कुछ सिलेबस आपका अलग होगा और जो भी होगा अपडेट इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। इस पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्टों की, बिल्कुल मुफ्त में, एक भी रुपये आपसे चार्ज नहीं लिया जाता और जो भी अपडेट आता है नहीं आपको सब कुछ बताया जाता है। देखिए अगला अपडेट है, तीसरी से 12वीं कक्षा तक की सभी किताबें 22 भारतीय भाषाओं में होंगी। हालांकि संविधान संबंधित राज्यों में ही इन भारतीय भाषाओं की में पढ़ाई होगी, जैसे जिस राज्य में हैं जो भाषाएं वहां पे बोली जाती हैं उन भाषाओं से रिलेटेड ही पढ़ाई होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश से हैं आपको उर्दू पढ़ने के लिए दे दिया जाए, आपको उर्दू की समझ नहीं है, ठीक है, तो वो भाषाएँ आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। मलयालम दे दिया जाए, ठीक है, मद्रासी दे दिया जाए भाषाएँ, तो वो भाषाएं आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी जो आपसे हटकर है, ठीक है, वही भाषाएं पढ़ाई जाएंगी जो आपसे रिलेटेड हैं। अगला स्केच है, अभिभावकों को बड़ी राहत, पाठ पुस्तकें होंगी सस्ती। तो ये जब दोस्तों आपका बुक चेंज होगा, नया सिलेबस आएगा, नई बुकें आएंगी, तो बुकें काफ़ी सस्ती मिलेंगी, अकॉर्डिंग जो आपके इसमें चल रहा है बुक उससे काफ़ी सस्ता बुक मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया परीक्षा साल में दो बार होंगी, वो परीक्षाएं आपके इच्छा अनुसार होगी, ऑन डिमांड होंगी परीक्षाएं, ठीक है, जब चाहें आप परीक्षा दे सकते हैं। तो ये अपडेट रहा दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी सब्जेक्टों की फ्री में तैयारी कराई जाती है, घर बैठे आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों जो भी अपडेट होता है यूपी बोर्ड से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।